गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड फोर्थ क्लास के जो एस्पायरेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए एक खबर है कि आज JKSSB ने फोर्थ क्लास के रिज़ल्ट को लेकर जो है एक प्रेस रिलीज़ जो है जारी की है, और उसमें उन्होंने कारण भी बताए हैं कि क्यों JKSSB जो है वो इतनी देर तक अभी तक रिज़ल्ट नहीं निकलवा पाई है फोर्थ क्लास का। और जो बच्चों ने कहा था कि कश्मीरी पंडित्स जो हैं उनका रिज़ल्ट क्यों जल्दी निकाल दिया गया एज़ कम्पेयर टू फोर्थ क्लास एस्पायरेंट, तो उसका जवाब भी JKSSB ने दिया है। तो क्या क्या कहा इस प्रेस रिलीज़ में, आइए आज हम देखेंगे। तो आज की ये प्रेस रिलीज़ है, सबसे पहले तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कहा गया है कि JKSSB ने सबसे पहले तो क्रिटिसाइज़ किया है कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ जो जर्नलिस्ट हैं जो कि जिन्होंने पिछले दिनों जो है एक आरोप लगाने की कोशिश की कि JKSSB जानबूझकर शायद जो है रिज़ल्ट डिले कर रही है, और उस चीज़ को लेकर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। एंड नाम लेकर एक डेली वादी कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क है, इन्होंने 21 मई को न्यूज़पेपर में जो है इसका क्रिटिसिज्म किया था। फेयर क्रिटिसिज्म था, हेल्थी क्रिटिसिज्म था। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ओवर एक्ट करने वाली बात JKSSB को करनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल जो है JKSSB ने रिस्पॉन्ड करते हुए क्रिटिसाइज़ किया है। और इसके अलावा जो है और भी कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से JKSSB जो है उसको उसकी इमेज को मलिंग करने की कोशिश की गई है, उन सबको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। और JKSSB ने कहा है कि हम रूल्स के मुताबिक अगर हमें कोई लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा तो इनके ख़िलाफ़ लेंगे, क्योंकि ये JKSSB की इमेज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, और JKSSB के इंटरेस्ट में है कि लीगल एक्शन जो है वो इनके ख़िलाफ़ ले सके। ओके, उसके बाद अपनी क्रेडिबिलिटी की दुहाइयां देकर JKSSB ने ये कहा है कि हमारी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और हम इतनी देर से काम करते आ रहे हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी जो है, हमारी इमेज जो है, इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है इन सब क्रिटिसिज्म्स की वजह से। उसके बाद JKSSB ने कहा है कि हम हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है हम रिक्रूटमेंट्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जो है टाइम तो लगता है, कहना है JKSSB का, लेकिन मेजर रीजंस की बात करते हैं हम। देखिए क्या कहा है JKSSB ने, डायरेक्ट चलते हैं। यस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर JKSSB ने कहा है कि JKSSB ने कहा है कि 27, 28 और 1 मार्च को जो पेपर हुए हैं जिसमें लगभग 3,28,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए और उनको जो है उनका एग्ज़ामिनेशन जो है वो कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रेफरेंस के लिए जो है JKSSB ने 1 अप्रैल से लेकर लगभग 2 मई के बीच में एक नया पोर्टल खोला था, और उसके ऊपर काफ़ी पुअर रिस्पॉन्स आई, और काफ़ी 1 महीने तक ये पोर्टल खुला रखने के बावजूद भी JKSSB ने कहा कि 1.37 लाख कैंडिडेट्स ही हैं जिन्होंने जो है ये प्रेफरेंस भरी। तो ये तो पुरानी चीज़ है, इसमें कुछ नई चीज़ तो आप स्टूडेंट्स के लिए है नहीं। लेकिन JKSSB ने कहा है कि COVID-19 की सिचुएशंस जो हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी ख़राब हैं, और दूसरा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन का हवाला दिया गया है जिसकी वजह से क्लास फोर्थ का रिज़ल्ट जो है उसमें प्रभाव पड़ा है। और उसके बाद रीज़न दिया गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पूरी फोर्थ क्लास का जो ओवरऑल रिज़ल्ट बनाने की, उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की वजह से भी जो है वो टाइम लग रहा है। और उसके बाद एक और रीज़न कहा गया है कि जो रिज़ल्ट जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर ये रिज़ल्ट बन रहा है, ये मल्टीपल लोकेशंस पर रिज़ल्ट बन रहा है, और कुछ लोकेशन जो है वो जे एंड के जो बॉर्डर हैं स्टेट के उनसे बाहर भी, यानी आउट ऑफ द स्टेट भी कई जगह पर इस रिज़ल्ट की प्रेपरेशन हो रही है। वो जो एरियाज़ हैं वो भी COVID-19 पेंडेमिक से अफेक्टेड हैं, और इसकी वजह से भी हमें जो है रिज़ल्ट तैयार करने में इतना वक्त लग रहा है। PM पैकेज के लिए उन्होंने ये कहा है कि PM पैकेज का रिज़ल्ट जो है वो इसलिए जल्दी निकाल दिया गया क्योंकि अगर वहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इन्होंने कहा कि सिर्फ 30,000 थे जो कि अपीयर हुए थे, और वो भी लगभग 7 अलग अलग पोस्ट्स के लिए 30,000 कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर्ड हुए थे। यानी ऑन एन एवरेज देखो तो एक एक तरह की जो पोस्ट थी उसमें लगभग 5 से 6,000 कैंडिडेट ही अपीयर हुए थे। तो इनका कहना है कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो थे वो कम अपीयर हुए थे जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट जो है वो जल्दी निकाल दिया गया।
दूसरा ये भी कहा गया कि इनके लिए जो इस पीएम पैकेज रिजल्ट में जो पैरामीटर्स थे जहाँ पर जैसे कि विडो, ऑर्फन्स, कैजुअल वर्कर्स या डोमिसाइल्स के अलग अलग मार्क्स वो वहाँ पर नहीं थे, इसलिए उनका रिजल्ट जो था वो कैलकुलेट करना जो है वो इजी रहा जेकेएसएसबी के लिए। और फोर्थ क्लास के रिजल्ट्स में क्योंकि ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं तो इसलिए इनको जो है ये वक्त लग रहा है। उसके बाद प्रेफरेंस का भी जिक्र किया गया है क्योंकि पीएम पैकेज में भी प्रेफरेंस सिस्टम है, तो इन्होंने ये कहा है कि प्रेफरेंस सिस्टम जो है पीएम पैकेज फॉर द कश्मीरी माइग्रेंट के केस में वो रिजल्ट की डिक्लेरेशन के बाद उनसे मांगा गया, और फोर्थ क्लास की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रेफरेंस पहले मांगी गई। तो इस पर ज़रूर जेकेएसएसबी से एक सवाल ये भी बनता है कि अगर उनकी माइग्रेंट्स की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस रिजल्ट के बाद मांगी जा सकती हैं तो फोर्थ क्लास के जो एग्ज़ाम थे वहाँ पर भी प्रेफरेंस जो है वो रिजल्ट के बाद मांगी जा सकती थी, इसमें बुराई वाली बात क्या थी? तो ये चीज़ आप वहाँ भी कर सकते थे, ये एक्सक्यूज़ आपके द्वारा जो है बड़ी बेकार सी एक्सक्यूज़ आई वुड कहूँगा कि बेकार सी एक्सक्यूज़ जो है दी गई है। और इसके लिए आखिर में जो है जेकेएसएसबी ने यही कहा है कि रिज़ल्ट जो है वो अंडर प्रोसेस है और आने वाले अप्रोप्रिएट टाइम में जो है रिज़ल्ट आपका फोर्थ क्लास का आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। कितना टाइम लगेगा ये बिल्कुल भी जेकेएसएसबी ने नहीं बताया इस नोटिफिकेशन के थ्रू भी, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट जो है वो अंडर प्रोसेस है एंड अप्रोप्रिएट टाइम पर आपको वो दिया जाएगा। और आखिर में उन्होंने ना जाने ये जो है वाक्या किस बेस पर डाले हैं, इन्होंने कहा है कि इन्फॉर्मेशन जो है आप मिसलीड मत होइए, अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, कोई प्रोपोगेंडा बना रहा है तो गलत जो है उनके गलत बातों पर यकीन मत कीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन को मत फैलाइए। और आखिर में फिर से कहा है कि कोई अगर अनफेयर मीन्स या मॉल प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी जो है प्रूफ के साथ उसका जो है आप बोर्ड को जो है वो रिप्रेजेंटेशन उसकी सबमिट कर सकते हैं कि ये इंसान जो है ये गलत चीज़ जो है वो फैला रहा है। तो ये था प्रेस रिलीज़। कुल मिलाकर जो है ये बताया गया कि फोर्थ क्लास का रिज़ल्ट एक तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं तो इसलिए वो अटक रहा है, दूसरा कोविड-19 का पेंडेमिक है एंड रिज़ल्ट जो है वो आउट ऑफ स्टेट भी कई जगह पर तैयार हो रहा है, इसकी वजह से भी डिले हो रहा है। एंड प्रेफरेंस का सिस्टम जो है इसको भी रखा गया है एक रीज़न के तौर पर। एंड कुल मिलाकर ये सब जो हैं ये देन आपकी वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो भी जो है उसको भी एक रीज़न बताया गया है। तो ये सब कुल मिलाकर रीज़न बताए गए हैं। आई डोंट थिंक कि ये सारे रीजंस भी हम क्यूमुलेट करें तब भी मुझे नहीं लगता कि 3 महीने का टाइम जो है इतने बड़े बोर्ड को जिसके पास इतने रिसोर्सेस हैं उन्हें 3 महीने का टाइम जो है इतनी बड़ी प्रोसेस जो है इतना डिले अब भी मैं कहूँगा कि नहीं लगना चाहिए था जितना उन्होंने लगाया है। तो देखना चाहिए और बातें अगर बच्चों की उनके तरफ पहुँच रही हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स भी करना चाहिए था। आई थिंक इस प्रेस रिलीज़ की ज़रूरत भी आज नहीं पड़ती अगर वक्त पर उन्होंने बच्चों को एक के नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया होता कि इतना वक्त लगेगा तो बच्चे भी आज शायद कुछ गलत जगह पर ना जाते, तो कुछ भी उनके लिए केएसएसबी के सेंटीमेंट्स जो हैं उनको भी हर्ट नहीं होता अगर वो वक्त पर बच्चों को बता देते। तो गलती जेकेएसएसबी की अपनी भी है एंड बच्चों को, मैं ये नहीं कहूँगा बच्चों की गलती है, बच्चों को काफ़ी टाइम हो चुका है और इतने टाइम में कोई भी इंसान है वो फ्रस्ट्रेशन में होगा और वो ज़रूर सवाल करेगा। तो कोई सवाल अगर उठा रहा है तो आई डोंट थिंक कि आपको उसको अपना क्रिटिसिज्म मानना चाहिए, आपको जो है इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी एफिशिएंसी और जल्द से जल्द जो है रिज़ल्ट जो है वो फोर्थ क्लास के बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यही था आज के वीडियो में, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।